बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मुतालिक बात करें, 283-284 यानी कि 283 रुपए से 285 रुपए अराउंड में है और ओपन मार्केट में तो वैसे अभी भी 290 रुपए प्लस में चल रहा है। आपको पता सैटरडे एंड संडे स्टेट बैंक तो क्लोज रहता है। तो अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो एक्सचेंज रेट की पहले बात कर लें, जो कि आपको साथ में मैं दिखा रहा हूं। आज का एक्सचेंज रेट फिर बढ़ चुका है, फिर से दोबारा से अप हुआ है। वो कैसे जी, देख रहे हैं 76 रुपए 29 पैसे, जो कि पिछले दो दिन से कम हो रहा था। और इंडिया की बात करें तो 21 रुपए 83 पैसे और बांग्लादेश टका 28 टके 36 पैसे। सॉरी, मैं मुस्लिम बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूं। मैं इनमें सबसे पहले एसटीसी पे की बात करेंगे, इनका रेट आज का 74 रुपए 88 पैसे और 17 एंड 25 रियाल इनकी फीस होती है। अगर मोबाइल ऐप से आप भेजें तो 10 रियाल काट लेते हैं ये। फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की अगर बात करें तो आपको 74 रुपए 90 पैसे रेट मिलेगा, 10, 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। तहवील राजी यानी कि राजी बैंक की बात करें तो आपको 74 रुपए 85 पैसे आज का रेट मिलेगा, 10, 17 और 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर पाकिस्तान में आपको यहाँ पर ये रेट भी बताता चलूँगा, पाकिस्तान में मैंने आज भी एजेंट से रेट पूछा है बाजार में, तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में लाकर चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आपको 75 रुपए 60 पैसे 70 पैसे, बड़े शहरों में 76 रुपए तक रेट मिल रहा है पाकिस्तान में। तो अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो इनका रेट आज का 75 रुपए 10 पैसे और 23 रियाल इनकी फीस है, हाई रेट है इनका। मनीग्राम 75 रुपए 20 पैसे और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है जी। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका रेट आज का 75 रुपए 10 पैसे 15, 17 और 25 रियाल फीस के साथ। और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो 74 रुपए 92 पैसे रेट एंड 10, 17 एंड 25 रियाल फीस। अगर क्विक पे की बात करें तो 75 रुपए 12 पैसे रेट, 10, 17 और 25 रियाल इनकी भी फीस है। ओवरऑल बात करें तमाम बैंकों के हिसाब से तो आपको 75 रुपए अराउंड में इस वक्त बैंकों में रेट मिल रहा है। आने वाले वक्त के अगर मुतालिक बात करें तो मुझे लग रहा है कुछ दिन रियाल 1-2 रुपए कम हो सकता है, लेकिन ईद के नजदीक ये फिर से अप होगा।